अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में। यशराज फिल्म्स का यह प्रोजेक्ट काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जाहिर है इसे लेकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में काफी तगड़ा एक्शन होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि आमिर खान और बिग बी दोनों आमने सामने धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस करते नजर आने वाले हैं। इसके लिए एक तलवारबाजी भी सीख रहे हैं। फिल्म में आमिर खान बिग बी के साथ फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ भी मुख्य किरदारों में हैं। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म के एक्शन सीन्स की शूटिंग मुंबई में ही हो रही है। सूत्रों की माने तो फिल्म का यह एक्शन सीन फिल्म की हाईलाइट होने वाला है। बहरहाल यहां जाने 2018 में धमाका करने वाली ये एक्शन फिल्में 2022 साल की शुरुआत हो रही है अक्षय कुमार रजनीकांत की धमाकेदार एक्शन फिल्म 20 से। वहीं उसके साथ रिलीज होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की अयारी। बागी 2 टाइगर श्रॉफ की हिट फिल्म बागी का सीक्वल 2018 में आने को तैयार है। फिल्म में दिशा पट्टानी होंगी। मणिकर्णिका बागी 2 के ही साथ रिलीज होगी कंगना रनौत की मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित इस फिल्म में कंगना दमदार एक्शन करती नजर आएंगी। रेस 3 ईद 2018 में रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3। फिल्म का निर्देशन करेंगे रेमो डिसूजा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी एक्शन से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के लिए तलवारबाजी और तीरंदाजी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली जा रही है। रैम्बो टाइगर श्रॉफ की रैम्बो रीमेक भी 2018 में आने वाली है। यह फुल एक्शन फिल्म होगी। ड्राइव धर्मा प्रोडक्शन की यह फिल्म 2018 होली में रिलीज होगी, यानी कि 2 मार्च 2018। सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडीज स्टार फिल्म ड्राइव इसी नाम से बने हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी जिसके निर्देशन का जिम्मा तरुण मनसुखानी ने संभाला है।